और क्या क्या नहीं किया उसके साथ स्कूल में लड़कों ने, 8 लड़कों ने इकट्ठा उसको कमरे में हरास किया। उसके बाद उसकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ा, उसकी तबीयत खराब होने लगी। वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेंस आता था इस दुनिया से, वो सिर्फ प्यार चाहता था इस दुनिया से, वो अपने टीचर्स, स्कूल, सोसाइटी में जैसा है वैसा रहना चाहता था, उसने कुछ और नहीं मांगा था। सब कुछ किया हुआ है, 2 साल होने वाले मेरे बच्चे को गए हुए इस दुनिया से, इस सोसाइटी की वजह से उसने सुसाइड किया। ये फरीदाबाद का केस है जहाँ 8 लड़कों ने मिलके इसके साथ ये किया था, जिनमें से सिर्फ 3 लड़कों के खिलाफ FIR हुई है, स्कूल हेडमिस्ट्रेस, स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ हुई है। बट मैं न्याय के लिए कितने साल भागूंगी? और बच्चे जाते जा रहे हैं, प्रांशु की जान गई, अभी एक और बच्चा प्रांशु गया है, हमने प्रांशु को भी ऐसे खोया है। ये सारे बच्चे खड़े हैं, ये सारे बच्चे आपको बता सकते हैं, ये इसी दर्द से गुजरते हैं, ये आज यहाँ पर इसीलिए इकट्ठा हुआ है क्योंकि ये कहानी सिर्फ आरवी, सिर्फ प्रांशु की नहीं है, ये इन सब की है, ये कम्युनिटी की कहानी है, हर एक बच्चा, ये उन सभी बच्चों की है जो बाहर आके खुल के जीना चाहता है, बट अपने परिवार के और अपने सोसाइटी के डर से वो ना डर के रह जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं, जो आरवी ने किया। और ये सोसाइटी जो होमोफोबिया को इतना बढ़ावा दे रही है आजकल टाइम की, प्रकृति के खिलाफ जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि वो खुद तो जिंदगी जीते नहीं है, ना वो दूसरों को जीने दे रहे हैं, तो उन्हें इस चीज पर खुद को शर्मनाक करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को जीने दो, हम जैसे जीना चाहते हैं। वी डोंट वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम यू गाइज, वी नीड जस्ट लव एंड अनकंडीशनल लव। आप देख सकते हो एक माँ ने अपना बच्चा खो दिया है, क्या ऐसे हम सब भी सुसाइड कर ले? आप लोग वो चाहते हो? एक माँ नहीं, कई सारी माओ ने, कई सारी माओ ने, कई सारी केसेस दबा दिए जाते हैं, छुपा दिए जाते हैं, रेपुटेशन, स्कूल की रेपुटेशन, एजुकेशन सिस्टम की रेपुटेशन के कारण छुपा दिए जाते हैं, दबा दिए जाते हैं। बीजेपी का भी केंद्र में है और केंद्र सरकार भी बीजेपी की है। ये केस फरीदाबाद का हाईलाइटेड केस है, आपको पता है इन लोगों तक पहुंचना कितना मुश्किल है। मैं सच में मिलना चाहती हूँ इन सबसे और इनसे गुहार करना चाहती हूँ इंसाफ की, अपने बच्चे के लिए जो मैं लड़ रही हूँ कोर्टों में, मुझे कितने दिन धक्के खाने पड़ेंगे मुझे नहीं पता, बट मैं नहीं चाहती जब तक मेरे बच्चे का इंसाफ हो बाकी और बच्चों के साथ अन्याय होता जाए। इस अन्याय को आज और अभी से रोकना होगा, नहीं तो मेरे जैसी हजारों करोड़ों माएं यहाँ पे खड़ी हुई मिलेंगी आप सबको, और मैं नहीं चाहती कि किसी और माँ को ऐसे। मैंने
अनिल जी को मिला, मैं गई, मैं होम मिनिस्टर के पास गई, मैं डीजी भी हरियाणा के पास गई, मैं वुमेन चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन, मैं सबके पास गई, तब जाके केस रजिस्टर हुआ, एफआईआर तब जाके रजिस्टर हुई। मुझे 9 महीने तक के खाने पड़े इस चीज के पीछे, पर अब मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही हूँ। मुझे नहीं पता कोर्ट में मुझे 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, मैंने तो बच्चा खो दिया था। आज आप जंतर मंतर की धरती से किसको अपना मेमोरेंडम ज्ञापन दे दिया है? नहीं, यहाँ से जितनी भी हमारी सरकार है, जितने भी ऐसे केसेस एलजीबीटी के या स्कूल की बुलिंग हरासमेंट सेक्सुअल अब्यूज साइबर बुली के जितने भी है, मैं गुहार करती हूँ सरकार से, इसको सीरियस ले, इसको इसको आम ना ले, नहीं तो हम बहुत अपना यूथ खराब करते जाएंगे, हम खोते जाएंगे। मोदी सरकार ने बहुत कुछ अच्छा किया है, मैं चाहती हूँ मुझे मिलना है मोदी जी से, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उनसे, वो इतने दुनिया का भला कर रहे हैं, तो क्यों नहीं इस कम्युनिटी को सुनते, क्यों नहीं हम सबसे मिलते, हम सबको बुलाओ, हम खड़े हैं बात करने के लिए, हमें जानो, गहराई से समझो हमें, यहाँ जितने बच्चे खड़े हैं इनसे बात करो, इनकी दिक्कतों को समझो, तभी तो सॉल्यूशन होगा ना, नहीं तो ऐसे ही हर माँ को अपना बच्चा खोना पड़ेगा, 15वीं फ्लोर से कूदना, आप जाग के दिखा दो, मेरे बच्चे ने तो जान दे दी कूद के, आप जाग के दिखा दो, वो जीना चाहता था, वो आज यहाँ खड़ा होता, वो सबके साथ खुल के जीना चाहता था, उसने क्या गलती थी मुझे इतना बता दे कोई, उस बच्चे की गलती क्या थी, क्यों क्यों वो आर्टिस्ट बनना चाहता था, वो इतना टैलेंटेड, ये सारे बच्चे जो खड़े हैं ये इतने टैलेंटेड हैं, मैं आपको बता नहीं सकती, पर हम दुनिया समाज मार देते हैं, हम अपने आम इन बच्चों को मार देते हैं, एक मजाक कितना भारी पड़ता है आपको पता नहीं है, इन बच्चों को मजाक करते हैं, इनको इतना मजाक हंसी उड़ाते हैं, ये छेड़ते हैं, इनके साथ सेक्सुअल अब्यूज करते हैं, क्यों, ये भी किसी के बच्चे हैं, ये भी किसी की औलादे हैं, किसी बच्चे के साथ गलत करोगे, सोचो ना, तुम्हारे खुद के भी तो बच्चे होंगे।